मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशुतोष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष। स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए हैं LSRW ऑफ इंग्लिश। इसमें फोनिक साउंड हम लोग सीख रहे थे, 38 पार्ट हमने कंप्लीट किए थे और आज जानेंगे फोनिक साउंड ऑफ सी, जिसका साउंड आता है या तो क या फिर स। पार्ट 39 है और फोनिक साउंड ऑफ सी है, जिसका कि साउंड आता है क या फिर स। तो चलिए कुछ वर्ड्स देखते हैं कि किन में क आता है और किन में स आता है। सी के बाद कुछ भी आए तो क ही होगा, लेकिन सी के बाद क्या आए कि वह स होगा, यह मैं अंत में बताऊंगा। पहले आप जान लें कि किन किन शब्दों में क का उच्चारण होता है सी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। ये सबसे पहला है CAT, इसका उच्चारण होगा कैट, मतलब यहाँ सी का उच्चारण क है। ओके, CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। COT ये है आपका कॉट, COT कॉट, कॉट मीन्स खाट होती है, तो यहाँ भी सी का उच्चारण क आया। COLD ये है आपका कोल्ड, कोल्ड मीन्स सर्दी या ठंडी। ये नाउन है, क्या है नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, ये क्या होती है, हम बोलेंगे इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड मतलब सर्दी है। ओके, अब आगे है कॉटन, COTTON कॉटन, कॉटन मीन्स कपास, जिससे बनते हैं सूती कपड़े, बोलते हैं ये कॉटन का कपड़ा है, है ना। COMB इसको पढ़ेंगे कॉम, बी जो है वो छुपा हुआ जैसा रहता है, कॉम, कॉम मीन्स कंघे। ओके, CORN इसको पढ़ेंगे कॉर्न, कॉर्न मीन्स ये एक तरह का अनाज होता है, जो मक्का, जो मक्का, मक्का बोले तो भुट्टा, मकई है, उसको कॉर्न बोलते हैं। आगे है COOL, वो है कूल, कूल मीन्स ठंडा, आइसक्रीम इज कोल्ड, मतलब ये जो कूल है ये है एडजेक्टिव, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव है, कूल आइसक्रीम, कूल मैन, ठंडा आदमी, है ना, लेकिन ये जो कोल्ड है ये है नाउन। ओके, जैसे कोई नाम होता है ना उसकी तरह। आगे देख, यहाँ आपने क्या देखा, सी के बाद ए है तो भी इसकी आवाज़ साउंड आ रही है क की तरह, सी के बाद ओ है तो भी साउंड आ रहा है क की तरह, है ना, सब में ओ है सिर्फ इसको छोड़ के। आगे देखें CAMAL, इसमें भी कैमल, कैमल मीन्स ऊंट, सी ए है क का साउंड आया। CALL कॉल, कॉल मीन्स बुलाना या पुकारना, तो सी के बाद अ है, ए है तो फिर क का ही साउंड आया। CAR कार, कार मीन्स गाड़ी, सी ए है तो क का साउंड आया। CAT कैट, दो बार आ गया है कोई बात नहीं, CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, सी ए है क का साउंड आया। CAN कैन, है ना, CAN कैन, कैन मीन्स सकना, ये एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, कैन मीन्स सकना, सी ए है का साउंड आया। CLUB क्लब, क्या है ये क्लब, क्लब मीन्स, क्लब मीन्स ग्रुप होता है, कुछ जो लोग सांस्कृतिक समूह बनाते हैं, कोई कल्चरल ग्रुप बनाते हैं उसे कहा जाता है क्लब, ठीक ना। आगे है तो सी के बाद एल आया तो भी क का ही साउंड आया। अब है सी के बाद यू देखिए तो भी कर्टन, कर्टन, कर्टन मीन्स, कर्टन मीन्स पर्दा, हम लोग घरों के दरवाजों में लगाते हैं कर्टन, पर्दा लगाते हैं। एक होती है मच्छर जाली, जिसको कि मॉस्किटो कर्टन बोलते हैं, मतलब मच्छरदानी,
है ना। तो आपने क्या देखा, सी के बाद ए आया तो भी क, सी के बाद ओ आया तो भी क का साउंड आता है, सी के बाद एल आए तो भी क का साउंड आता है, सी के बाद यू आए तो भी क का साउंड आता है। मतलब मैक्सिमम में सी के बाद कुछ भी आए तो क का साउंड आता है। लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ कि कब स का साउंड आएगा सी के साथ। ओके, तो बने रहें। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं सी के ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिसमें कि सी का उच्चारण मतलब साउंड जो है वो स की तरह आएगा, अब क की तरह नहीं आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहला है सी ई एल एल, इसको पढ़ेंगे सेल। ठीक है, सेल मीन्स कोशिका। तो आप देखें सी ई, सी के बाद ई है तो स का साउंड आया। डी ए एन सी, यहाँ भी सी के बाद ई है तो ये हो जाएगा आपका डांस, देखिए स का साउंड आया। एफ ए सी मतलब फेस, देखिए सी का साउंड स आया। सी ई एन टी, ये हो गया सेंट, फेस मीन्स चेहरा, डांस मीन्स नाचना, सेल मीन्स कोशिका। और सेंट, सेंट मीन्स जैसे परसेंट होता है, सेंट मीन्स होता है 100, मतलब प्रतिशत जो होती है ना वही। तो यहाँ भी देखिए सी ई है, सी के बाद ई तो ये स का साउंड आ गया। एस सी एन टी, ये भी है आपका सेंट, लेकिन इसका मतलब होता है इत्र, खुशबू। ओके, अब है आगे एल ए सी ई, ये है आपका लेस, लेस मीन्स होता है फीता। सी के बाद ई है तो ये स का साउंड आ गया। अब सी आई टी वाई, ये सी आई टी वाई तो ये हो जाएगा आपका सी टी, देखिए सी के बाद आई है तो ये स का साउंड आया। इसके बाद देखें सी आई सी आर सी एल ई, तो यहाँ दो तरह के सी हैं, एक सी के बाद आई है और एक सी के बाद एल है। तो देखें ये हो जाता है सर्कल। क्या आपने देखा सी के बाद आई है तो स का साउंड आया, और सी के बाद एल है तो क का साउंड आया। आगे है पेंसिल, तो सर्कल मतलब होता है वृत्त, आगे है पेंसिल, तो देखें सी के बाद आई है तो इसका साउंड स आया। फिर देखें सर्कस, यहाँ भी दो तरह के दो सी हैं, एक में सी के बाद आई, एक में सी के बाद यू, तो ये हो गया सर्कस। यहाँ देखें स का साउंड आया और यहाँ के सी में क का साउंड आया, है ना, सी के बाद यहाँ पे आई था। आगे है कैंसिल, सी के बाद ए है तो क का साउंड आता है, कैंसिल, और यहाँ सी के बाद ई है तो ये स का साउंड आया। एफ ए एन सी, कैंसिल मतलब उसको कैंसिल कर देना, हमने बंद कर देना, रोक देना। फैंसी, फैंसी मतलब होता है बड़ा ही भड़कीला जो होता है, रंग बिरंगा, फैंसी। ओके, फैंसी, तो यहाँ आप देखें सी के बाद वाई है तो स का साउंड आया, सी, सी से स का साउंड आ गया। स्पाइसी मतलब होता है मसालेदार, है ना, स्पाइसी, स्पाइसी, यहाँ देखें स का साउंड आया, सी वाई है तो स का साउंड आया। सी वाई सी एल ई, तो ये है आपका साइकिल। ओके, तो सी में वाई लगा हुआ है तो स का साउंड आया, है ना। और सी वाई सी एल ओ एन ई, यहाँ भी दो सी है, एक में सी के बाद वाई है, एक में सी के बाद एल है, तो ये हो गया साय क्लोन। साइकिल का मतलब होता है चक्र या चक्का, और ये हो गया साइक्लोन, साइक्लोन मतलब चक्रवात, तो सी के बाद वाई है तो यहाँ स का साउंड आया। इतना देखने के बाद आपको क्या लगा कि सी के बाद ई रहे, ठीक है, सी के बाद ई रहे तो भी स का साउंड आएगा, सी के बाद आई रहे तो भी स का साउंड आएगा, और सी के बाद वाई रहे तो भी स का ही साउंड आएगा, किससे, सी के लेटर से। तो बच्चों आज मज़ा आया होगा इसको समझने में। अब मुझे लगता है अब फिर पढ़ेंगे कहीं पे शब्दों को, इंग्लिश वर्ड्स को,
तो फिर आपको अब दिक्कत नहीं होगी। सी के बाद ई रहे तो सा का साउंड आएगा, सी के बाद आई रहे तो सा का साउंड आएगा, सी के बाद वाई रहे तो भी सा का साउंड आएगा, और इन तीनों को छोड़ करके कुछ भी रहे सी के बाद तो क का साउंड आएगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा के अगली वीडियो में कुछ नए साउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।